के सामने नीतीश कुमार का बयान कैसे आया है, जरा खबर आपको बता दें। जेपी नड्डा के सामने नीतीश कुमार का बयान, आरजेडी के साथ जाना मेरी गलती थी। नीतीश कुमार ने दोहराया इस बात को, कहा कि अब आरजेडी के साथ कभी नहीं जाएंगे, शुरू से हम लोग बीजेपी और जेडीयू साथ साथ हैं। जब से एनडीए गठबंधन में वापसी हुई है नीतीश कुमार की लोकसभा चुनावों के पहले से, हर मंच से नीतीश कुमार इस बात का भरोसा दिलाते हैं बीजेपी के हर नेता को कि वो एनडीए में ही हैं। सुनवाते हैं आपको। हमसे गलती किया, दो बार हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिया, अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी दो बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा, होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जीव लोग, लेकिन झूठे वो सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता, कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है, हम ही लोग एक साथ थे, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है। पटना से सौरभ, सवाल इस बात को लेकर, आखिर ये भरोसा बार बार क्यों दिलाना पड़ रहा है जब भी कोई तस्वीर किसी आरजेडी नेता के साथ आ जाए? आपको याद होगा दो दिन पहले तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात हुई थी, नीतीश कुमार को फिर सफाई देनी पड़ी कि हम बीजेपी के साथ हैं और रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ये बिल्कुल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा हो चुका है कि अब विश्वास जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, और इसीलिए दो दिन पहले जब उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई और उसके बाद एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार जो है वह काफी गर्म हो गया कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से गठबंधन बदलेंगे, क्या फिर से वो एनडीए को छोड़कर इंडिया गठबंधन में जाएंगे। तो आज उन्होंने सफाई दी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आज जेपी नड्डा जब पहुंचे थे, जब वो पटना पहुंचे तो सर्किट हाउस से सीधा वो मुख्यमंत्री आवास गए और मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने सुबह का जो नाश्ता है वो किया, फिर दोनों साथ में, यानी मुख्यमंत्री और जेपी नड्डा साथ में IGIMS गए, क्योंकि वहां पर एक सरकारी कार्यक्रम था। IGIMS के जो विंग थी वहां पर एक अलग से नेत्र अस्पताल खोला गया है, तो उसका उद्घाटन समारोह था। उसी दौरान नीतीश कुमार ने अपनी सफाई दी, उन्होंने कहा कि दो बार वो गलती कर चुके हैं, अब वो गलती नहीं करेंगे। बने रहेगा सौरभ, एक और बड़ी खबर आपको बता दें।